ये रास्ता है तो बहुत ख़राब और अभी थोड़ी बारिश भी हो रही है। ये रास्ता है कल्पेश्वर महादेव का और ऊपर हेलंग से बैंड कटता है और यहाँ नीचे सड़क आती है और रास्ता ख़राब है पर व्यू अच्छा है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, चलें भाई, ठंड भी बहुत हो रही है। तो ये अराउंड 12 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद 3 किलोमीटर बोल रहे हैं कि ट्रैकिंग है, वॉक है, अभी पता नहीं है, चल के पता लगेगा। लेट्स गो। कम से कम 3 किलोमीटर अभी तक ऊपर आ गया हूँ और अभी भी बारिश हो रही है पर रास्ता वर्स्ट पूछने का। 2-3 बार में तो बहुत डर गया, मैंने कहा वापस चलता हूँ। बहुत छोटा 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 सा रास्ता, फिर भी थोड़ा व्यू देखते हैं जगह रुकता हूँ। अभी तो सड़क थोड़ी ठीक है, आगे भी ठीक है, भोलेनाथ आगे भी ठीक करेगा, जब यहाँ तक लाया तो पहुँचाएगा। तो जय बाबा की। चलो भाई, चले 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 अगर नहीं आया जिस दिन दूध, फिर काम कर रहा। ये नीचे सड़क अभी खराब हुई है या पहले से खराब हुई थी? पहले से खराब थी, एक बार फर्स्ट में बन गई थी ना वो। अच्छा, बहुत साल पहले आपका नहीं आई थी? एक आपका, हाँ हाँ, आपसे मैं टूट फूट हो गई। ओहो, तब से फिर वो ठीक नहीं किया ना। ओ चलो, मैगी तो खा ली। जहाँ मैं भी रुका था, एक ब्लैक टी आधा नींबू डाल के और एक मैगी। उन्होंने मुझसे सिर्फ 30 रुपये मांगे, 30 रुपये, 30 रुपीज, दैट्स इट। मैंने बोला भाई इतनी ऊंचाई में और इतनी बुरी सड़क है, वहाँ से यहाँ सामान पहुँचाना इतना मुश्किल, और फिर भी आप 30 रुपये की मैगी बेच रहे हो। बहुत साल पहले रोहतांग गया था, बहुत साल पहले, आज की बात नहीं है, 80 रुपये की मैगी खाई मैंने वहाँ पर, जबकि वहाँ इजीली एक्सेसिबल है, बंदा पहुँच सकता है और सीज़न का टाइम था। और यहाँ की रोड देख इतनी ख़राब है, इतने हालात में ख़राब है, फिर भी इतनी सस्ती, तो दैट्स ऑल। इवन केदारनाथ जब मैं गया था वहाँ पर लंगर सेवा तो बाद में ही, मैं डोली से वहाँ पहले पहुँच गया था, तो जो लोकल लोग थे वहाँ उनका रेस्टोरेंट था, तो वहाँ मैंने 50 रुपये में एक सब्जी और एक बड़ा पराठा, छोटा भी नहीं बहुत बड़ा पराठा, 50 रुपीज़ ओनली। जबकि केदारनाथ पे नीचे से ऊपर सिलेंडर पहुंचाना, खाना पहुंचाना दिक्कत है, फिर भी ये लोग खाना बहुत सस्ता देते हैं। ऐसे लोगों को सलाम है कि, और कभी हम में से कुछ लोग दिल्ली एयरपोर्ट गए होंगे, वहाँ कभी चाय पी के देखना या कॉफ़ी पी के देखना। Thank you.
गाड़ी पीछे पार्क की है और अब वॉक कर रहा हूँ। वैसे तो रोड है आगे तक, बट थोड़ा तो इंसाफ करें अपनी टांगों से, थोड़ा पैदल तो चलें। हाँ, वेदर अच्छा है आज, धूप नहीं है और मौसम बहुत अच्छा है। मैं लास्ट टाइम केदारनाथ गया था, वहाँ भी मौसम बहुत अच्छा था। ऊपर पहुँचते था, धूप नहीं थी, बहुत हल्के हल्के से बादल, हल्की सी धूप। और देखते हैं, अभी 3 किलोमीटर बोल रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस। रोड है वैसे तो, कोई ट्रैकिंग नहीं है, सिंपल वॉक है। भी देखते हैं कहाँ तक रास्ता पहुँचा। नमस्कार साहब, साहब कितनी दूर है मंदिर? मंदिर थोड़ा ही है गुरु, थोड़ा ही अभी, थोड़े का मतलब तो उधर गांव दिखाई दे रहा लास्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो लास्ट जो मोड़ है आगे जाके। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ यहाँ झरना बह रहा नीचे, उससे कम से 300 मीटर आगे, यानी बस कुछ भी नहीं है तो है वहाँ पर से। ठीक है, बाई रोड। ठीक है ठीक है, धन्यवाद साहब। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। लोग भी बहुत अच्छे हैं, वॉटरफॉल छोटा सा। मजा आ रहा है। वाओ, कितना सुंदर है। मेरे पीछे गाड़ी का शुरू इतना तंग कर रहा है।
जिसके पानी है और पंडित जी बोलते हैं कि जब सुबह सुबह शिव जी का अभिषेक करते हैं यानी जब नहलाते हैं सुबह सुबह तो इसी पानी से पानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो इसका मुंह नीचे करते हैं। हाँ ये इधर ये पानी है, ये लोगों ने कॉइन ले रखे पानी पे, तो ये शिव जी की जटा जो बड़ा सा पत्थर है जिसने पूरे मंदिर को कवर किया हुआ है नीचे तक, तो ये शिव जी की जटा बोलते हैं। मैं थोड़ा और ऊपर जाके दिखा सकता हूँ, ये जो पूरा पत्थर है ऑल द वे वो उस एंड तक, उसके नीचे मंदिर है जहाँ शिवलिंग है, वो पूरा इसी एक पत्थर ने यहाँ से लेके वहाँ तक कवर किया हुआ है। ऊपर तो वैसे बस यहीं से है ये जटा स्टार्ट, और जटा से ही पानी निकलता है उधर उस जगह पे, और उसी से फिर सुबह बाबा जी का अभिषेक करते हैं। बस एक काली चाय और उसके मैं मेरे गाड़ी में से नींबू पड़े थे, ओ नींबू और काली चाय बस। ओ आ गया आ गया, आप बैठिए, आप चाय पीजिए, मेरा कोई यात्री आ गया। अच्छा 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 पंडित जी ने चाय दे दी, थोड़ा ठंडी में गर्मी का एहसास। भाई प्रॉपर बारिश हो रही है ढंग से, अब ठंड हो गई है भाई। मैं ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं कर सकता, ये तो ये भी उड़ जाएगा। नहीं। 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 नहीं।
मौसम तो देख गया बहुत ख़राब है। मैं यहाँ से वापस जा रहा था आज, बट यहाँ पर जैसे मैंने कल्पेश्वर में दर्शन किए तो यहाँ जो लोकल लोगों ने बोला कि रुद्रनाथ की यात्रा यहीं से जाती है, स्टार्ट होती है। तो फिर मैंने प्लान चेंज किया, इंस्टेड ऑफ मंडल जाने की बजाय सागर, सॉरी यहाँ एक लोकल गाइड था, गाइड कम पोर्टल, तो बोला मैं आपके साथ चलूँगा। और यहाँ से 22 किलोमीटर की ट्रैक है ऑल टुगेदर आना जाना तो 44 किलोमीटर होगा। बट मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हार्ड रेन हो रही है जिसको बोलते हैं, सॉलिड, बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब इस वक्त इस जगह का। और अगर कल भी मौसम साफ ना नहीं हुआ तो फिर नहीं जा सकते, फिर वेट करनी पड़ेगी, फिर एक दिन और स्टे करना पड़ेगा, जो कई बार मुश्किल हो जाता इतना लंबा स्टे। चलो देखते हैं क्या आएगा, बट बहुत बारिश हो रही है अभी।